जय हो वंदे मातरम। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि भाई दुनिया भर में भारत बहुत मजबूत होता जा रहा है, भारत की जो पोजीशन है बहुत मजबूत होती जा रही है और हम लगातार वैश्विक लीडर के तौर पर उभरते जा रहे हैं मोदी जी की लीडरशिप में। लेकिन उसके बाद भी जब अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई तेज कर देती है, उसके बाद यूके में जो भारतीय एम्बेसी उसके बाहर कुछ खालिस्तानी समर्थक पहुंचते हैं, भारत का झंडा उतार देते हैं, वहां पर अपमान भी करते हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? हालांकि बाद में एक बहुत बड़ा झंडा वहां पर लहरा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंडीशन इस पोजीशन तक पहुंच पा रही है तो आपको खुद ही समझना चाहिए क्या हालत है। और फिर यूके के लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि यार वहां की जो सेना है, वहां की जो पुलिस है, वो क्या करती? जब इस तरह के लोग इस तरह काम करने के लिए जाते हैं तो वो रोकते क्यों नहीं? क्या उनके पास पावर नहीं है? अगर ऐसा ही कुछ यूके की एम्बेसी के साथ भारत में हो तो ये लोग क्या कहेंगे? तब ये पूरे यूरोप में हल्ला मचा देंगे। यूरोप में जिस तरीके से बातें होना शुरू हो जाएंगी कि इंडिया तो थर्ड वर्ल्ड है और वहां पर तो कुछ हो ही नहीं सकता और वहां पर अराजकता फैले हुई है, जिस तरह की बातें होंगी। लेकिन खुद के देश में जब ये सब हरकतें होती तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इंडिया के साथ हुआ है। अब हालांकि ये पूरा मामला जो है, पूरा मामला अब थोड़ा सा दब गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ हुआ है यूके में वो कहीं से कहीं तक भी सही तो था नहीं। और फिर इन्हीं के एक नेता ने सही बात कही है कि अगर वारिस पंजाब दे का जो लीडर है अमृतपाल सिंह खुद को इतना ही बड़ा शेर बताता है तो अभी ये चूहा बनकर बिल में क्यों घुसा हुआ है? पंजाब में वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध विश्व में फैले खालिस्तानी समर्थक कर रहे हैं। बीती शाम यूके में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन के बाद तिरंगे का अपमान कर दिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत ने यूके के सीनियर राजनयिक को समन भेज दिया। अब देखिए, दरअसल विश्वभर में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीती शाम यूके में भारतीय दूतावास के बाहर कुछ खालिस्तानी समर्थक इकट्ठे हुए। उन्होंने पहले भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और फिर दूतावास पर फहराए गए तिरंगे को खालिस्तानी समर्थकों ने उतार कर खींचने की कोशिश करी। भारतीय राजनयिकों ने इसका विरोध किया और झंडे को वापस ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तानी तिरंगा फहराते रहे। यूके में भारतीय दूतावास में तैनात राजनयिकों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने दोबारा से उसी जगह पर तिरंगा फहराया, उसके साथ ही दूतावास की बिल्डिंग पर दो मंजिल पर एक और तिरंगा लगा दिया। बिना गुस्सेल रवैया अपनाते हुए भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने खालिस्तानी समर्थकों को इसका जवाब शांतिप्रिय ढंग से दे दिया। लंदन में उच्चायोग में प्रदर्शनकारियों द्वारा भारतीय झंडा उतारने की घटना के संबंध में भारत सरकार ने दिल्ली में यूके के राजनयिकों को तलब किया। लंदन ने भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा की गई कार्रवाई पर भारत के कड़े विरोध को व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान यूके राजनयिकों से एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। यूके सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण की मांग उठाई गई है, जिसने उन तत्वों को उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। वहीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले हाई कमीशन पहुंचे खालिस्तानी समर्थकों के हाथ में खालिस्तानी झंडा और अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। पोस्टर्स पर लिखा था फ्री अमृतपाल सिंह, मतलब कि अमृतपाल सिंह को आजाद करो, जबकि वो पकड़ा ही नहीं गया। इसके आगे लिखा था कि यू वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। किस प्रकार का न्याय ये लोग मांग रहे हैं? वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह। साथ ही साथ लिखा था कि हम अमृतपाल के साथ हैं। एक शख्स को खालिस्तान जिंदाबाद कहते हुए भी सुना गया था। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर सख्त आपत्ति जताई थी। मंत्रालय ने कहा कि हाई कमीशन के बाहर पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं लगाई गई? सिक्योरिटी की कमी के चलते ही खालिस्तानी अंदर घुस पाए। ब्रिटेन में भारतीय डिप्लोमेट्स और एम्बेसी की सुरक्षा को लेकर ब्रिटिश सरकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये सीधे तौर पर वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन है और हमें उम्मीद है कि इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है, प्रदर्शनकारियों को नारेबाजी करते हुए सुना जा सकता है। वो भारत सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लंदन में स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुए हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना के बाद भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने इसकी निंदा भी करी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अस्वीकार है। मैं ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन के लोगों और परिसर में हुए हंगामे की निंदा करता हूं। हालांकि अजनाला थाने पर हमले के आरोपी अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर काफी अभियान चलाए हैं, छापेमारियां करी। पुलिस ने रविवार को भी अमृतपाल के 34 और साथियों को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस 114 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी। पूरे सूबे में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। इंटरनेट को इस समय बंद करके रखा गया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के लुधियाना से कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के फरार होने और पुलिस द्वारा भगोड़ा करार दिए जाने पर तंज कसा है। बिट्टू ने कहा कि अमृतपाल खुद को पंजाब बवारिस कहता है, लेकिन आज खुद चूहे की तरह किसी नाली और बिल में छुपकर बैठा है। बिट्टू ने कहा कि युवाओं को लगातार अमृतपाल बहला फुसलाकर देश विरोधी हरकतें करवा रहा था। बिट्टू ने कहा कि अमृतपाल विदेशों में सिख का चोला पहनकर बहरूपिया बनकर आया है। जो गुरु का सच्चा सिख होता है वो कभी भी मैदान छोड़कर भागता ही नहीं। अमृतपाल रोजाना युवाओं को अपने साथ खालिस्तान बनाने के लिए जोड़ रहा था। वो अक्सर युवाओं से कहता था कि सबसे पहले यदि सिर देने की नौबत आई तो मैं दूंगा, लेकिन आज अमृतपाल ऐसे भागा कि इसने सिखों पर धब्बा लगवा दिया।
जो विदेशों में बैठे एनआरआई इसे सपोर्ट करते थे वो भी देख लें, और जो आईएसआई जिसने इसे शेर बनाया था वो भी देख लो कि किस तरह अमृतपाल आज गली गली खेतों में भागता छिप रहा है। बिट्टू ने कहा कि युवाओं को हथियार उठा खालिस्तान के लिए कुर्बानी देने के उपदेश देने वाला अमृतपाल की असलियत लोगों के सामने आ गई। बता दें कि ये कार्रवाई अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में हुई है। पंजाब में जिस तरीके से अमृतपाल सिंह लगातार मनसत्ता फैला रहा था उसको भी देखते हुए कार्रवाई हुई, और जिस तरह की वो कहता था कि सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा, तो ऐसा लगता है 114 लोग अपनी कुर्बानी दे चुके हैं लेकिन अमृतपाल कहीं ना कहीं भागता फिर रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।